हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉनलाइन नोटेशन सीखा था, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज की क्लास में हम लोग इसी सीसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, मतलब थोड़ा सा रिसाइक्लिंग डिस्कस करेंगे एंड देन हम मूव कर जाएंगे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें तो जैसे मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ये देखो, सपोज करो ये है, अगर मेरे को इसमें जो है इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा? वही नेमिंग शुरू करो, नंबरिंग करो, सब्सिट्यूएंट मानो। सब्सिट्यूएंट कौन सा है? साइक्लोप्रोपाइल है, तो सेकंड पर 2 साइक्लोप्रोपाइल, 4 की चेन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है कि नहीं? ब्यूटेन हो गया ये हमारा। ऐसे ही अगर हमारा जो है 3 की जगह 4 की चेन होती तो साइक्लो ब्यूटाइल हो जाता, 5 की होती तो साइक्लो पेंटाइल हो जाता, है ना। इस तरह से हम कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमें अगर इसके ऊपर ही सब्स्टिट्यूएंट लगे होते तो हम कैसे उन्हें नंबर करते, वो एक बार देख लेते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास ये है, एक डिफिकल्टी ले लेते हैं, आसान तो हो ही जाएंगी। सपोज करो ये है, ये है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे, हमें पता है कि नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी होती है 1। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले इस जगह को 1 मिल जाएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है ना। तो 6 नंबरिंग हो गई, बस अब कुछ नहीं करना। 3 पर क्या है हमारा? कीटो ग्रुप है, 5 पर हमारा एल्काइल ग्रुप है, और 1 पर हमारा एसिड ग्रुप है, ठीक है ना। एसिड ग्रुप का हमारा सफिक्स लगेगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? 3 पर हैं और 5 पर हैं, ठीक है। 3 पर कीटो ग्रुप पर प्रीफिक्स हो जाएगा के, 5 पर इथाइल आ जाएगा ई, तो पहले ई आता है या के? ऑब्वियसली ई, तो 5 इथाइल। देन आ जाएगा हमारा 3 पर कीटो है, तो ये हो जाएगा 3 कीटो या 3 ऑक्सो, 3 कीटो या 3 ऑक्सो। एंड देन आपकी कितने की चेन है? 6 की है, तो पर हमारी ये हेक्सेन चेन नहीं है, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन चेन है, तो साइक्लोहेक्सेन 1-ओइक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1-ओइक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी साइक्लोहेक्सेन चेन है, ठीक है कि नहीं। चलो अब एक दो क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें हमारे को आईयूपीएसी नेम गिवन होगा और हमारे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं उस पर भी। सपोज करो हमारे को बोलता है वो कि एक स्ट्रक्चर बनाओ कंपाउंड का, इसका आईयूपीएसी नेम है 3-amino-4-methyl-pentane-1-oic acid। कोई समस्या नहीं है, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। पेंटेन है तो यानी 5 की रूट जो होगा वो 5 का होगा, ठीक है। 1 पर ओइक एसिड है, यहाँ पर ओइक एसिड है तो मैंने ओइक एसिड लगा लिया। अब ये हमारी 1 पोजीशन है, 2, 3, 4, 5, 5 की चेन है, 5 ऐसी लग गई। 3 पर अमीनो है, अमीनो क्या होता है? इनिश टू ग्रुप, 3 पर इनिश टू ग्रुप लगा लिया। 4 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल लगा लिया, बाकी कार्बन की बैलेंसीज सेटिस्फाई करती हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया और ये हमारा रिक्वायर्ड है। ये मैंने थोड़ा वैसे लिख दिया है कंटेंट्स का, अगर आप इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में फैला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनका कॉमन नेम से वो काफ़ी फेमस है, ठीक है कि नहीं। जैसे एसिटिक एसिड जो है हमारा, इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड के नाम से फेमस होता है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड के नाम से फेमस होते हैं, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के नाम से, है ना। ऐसे ही हमारी मार्श गैस के नाम से मीथेन, एसिटिलीन, इस तरह के नाम है ना। ऐसे ही कुछ कॉमन कॉमन नेम्स हैं जो मैं बताता जाऊंगा, आप नोट कर सकते हो। जैसे कि
ये हमारी इथेनामाइड है, इसे हम एसिटामाइड भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपके बारे में जो चीज़ आई वो है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे नोट कर सकते हो। अच्छा, फॉर्मिक एसिड का तो आपको पता ही होगा, मैंने फिर आपको पिछले लास्ट के आई थिंक जो है इससे पहले वाले लेक्चर में या उससे भी पहले वाले में बताया था ग्लिसरॉल के बारे में। ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या होता है? ग्लाइसिन हम बायोमोलिक्यूल्स जो है उस यूनिट में पढ़ते हैं। ग्लाइसिन के बारे में, इसमें क्या होता है, ये होती है ग्लाइसिन, ठीक है। ये इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, दिस इज ग्लाइसिन। अनदर इम्पॉर्टेंट वन जो हम उसमें यूज़ करते हैं पॉलीमर्स हैं, वो है आइसोप्रीन। पॉलीमर्स में पढ़ाऊंगा मैं, आपने पढ़ भी रखा होगा, ये होती है आइसोप्रीन, ठीक है, दिस इज आइसोप्रीन। देन एक इम्पॉर्टेंट और लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड कन्वर्जन में आ जाता है बाय मॉलिक्यूल्स में, ये होता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है कि नहीं। देन एक और इम्पॉर्टेंट वो है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। ये सिस्ट फॉर्म होती है मैलिक की, अगर ट्रांसफॉर्म में होगा तो ये फ्यूमैरिक हो जाएगा, ओके। देन ऑक्सैलिक एसिड आपको पता ही होगा, ऑक्सैलिक पता ही होगा। आगे आ जाता है सक्सीनिक एसिड, दिस इज सक्सीनिक एसिड। देन आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ जाता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड के बारे में तो सबको पता होता है, ठीक है ना, दिस इज टार्ट्रिक एसिड। कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। देन आपका विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइल ग्रुप। अगर इसमें ओ एच लगा देते तो दिस इज विनाइल एल्कोहल, ठीक है ना, या फिर विनाइल, अगर मैंने इसमें सी एल लगा देते तो दिस इज विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल ग्रुप होता है। ऐसे ही एक एलाइल ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है इसे कहते हैं हम अलाइल ग्रुप, अलाइल ग्रुप, ठीक है कि नहीं। ये कुछ कॉमन से थे, अब आगे बढ़ते हैं, अब आपका आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो ये थी, ओके। अब जो है अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, जो कि आपका है एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड सब में मूव करने से पहले सबसे पहली बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो जो वर्ड जो है ना, एरोमेटिक, एरोमेटिक हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा। एंड व्हाट इज अरोमा? अरोमा इज समथिंग विच इज स्वीट, स्वीट स्मेल। लाइक आई वेन एवर वी से कि इसकी अरोमा बहुत अच्छी है, अरोमा मीन्स स्मेल बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग है, ठीक है, स्वीट है, प्लेजेंट स्मेल है, सो एरोमेटिक इज दैट। और इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है जिससे ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हम बताते हैं, वो होता है हमारा बेंजीन। कौन होता है? बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन की एक फॉर्म है, ठीक है ना। अब बेंजीन की जो रिंग है ये रेजोनेंस करती है, अभी आपको इन सब के बारे में नहीं पता, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं बॉन्ड से, इसमें देखो इसमें यहाँ बॉन्ड था, इसमें यहाँ बॉन्ड आ गया, तो हम इक्विवेलेंट फॉर्म में बेंजीन को ऐसे रिंग टाइप में लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ भी अगर आपसे ऐसे लिखूँ मैं बेंजीन के बीच में एक गोला बना दूँ, तो ये समझ लेना मैं तीन बॉन्ड्स को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। मैं बार बार तीन बॉन्ड्स नहीं ड्रॉ करूँगा, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात करता हूँ मैं कि ओरिएंटेशन किस तरह से होती है ग्रुप्स की। तो देखो
ये है हमारा बेंजीन, ये जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन यहाँ पर हमारा अगर मेन ग्रुप लगा हुआ होगा, कोई मेन ग्रुप लगा हुआ होगा, अगर कोई ग्रुप नहीं लगा तो कोई पोजीशन की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि इप्सो ये तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से लिखो इप्सो या यहाँ से लिखो इप्सो एक ही बात है। इप्सो की पोजीशन की बात तभी होती है जब कोई ग्रुप लगा होता है, तो दिस पोजीशन इज इप्सो पोजीशन, ठीक है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस एंड दिस दे बोथ आर ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। ओके, कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। ओके, देन दिस एंड दिस, दीज बोथ आर मेटा पोजीशन, मेटा। एंड दिस वन, ये जो काउंटर होती है इसकी, दिस वन इज पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। ओके, ये होती है हमारी पैरा पोजीशन, रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ओ, स्मॉल एम और स्मॉल पी, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओके, चलो, तो हमारी जो वन टू, हमारी जो पोजीशन होती है वन टू, और तो होती है हमारी वन टू, अगर ये वन है तो ये टू हो जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर किया है, तो ऑर्थो इज वन टू, मेटा इज वन थ्री एंड पैरा इज वन फोर। कैसे पैरा वन फोर है? क्योंकि पैरा में देखो वन टू थ्री फोर, फोर्थ पोजीशन पर पैरा है ना, तो दिस इज वन फोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अगर मैं बताऊं तो अब हम इसकी डेरिवेटिव देखते हैं, और हाँ इसमें कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कॉमन नेम्स भी आने चाहिए, ठीक है कि नहीं, कॉमन नेम्स भी आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो है लिखूंगा, मैं देखो ये है सिंपल बेंजीन था, अगर बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री लगा हो, ठीक है, और इन सब को हम मेनली कॉमन नेम्स ही जानते हैं, हम आयोपैक इतना ज़्यादा लिखते नहीं हैं। इसे कहते हैं हम टॉलुइन, क्या कहते हैं? टॉलुइन। इसे लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं इसे, वन मिथाइल बेंजीन आयोपैक में, वरना अगर इसके ऊपर Cl लगा तो हमें इसे क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन, वन क्लोरोबेंजीन। इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। अगर इसके ऊपर OH लगा हो तो हम इसे बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं? फिनॉल, है ना, या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब ये जो है ये Cl नहीं है, ये बेसिकली X कर लो इसे, कोई भी हैलोजन हो, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है कि नहीं। अब ये तो था सिंगल सब्स्टिट्यूटेड थे, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड थे, अगर डबल डबल हो तो क्या होगा? अगर डबल डबल हो तो क्या होगा? सपोज करो अगर मैंने सी एच थ्री के साथ इको सी एच थ्री लगा दिया तो क्या होगा? इसे हम 1.2 डाइमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, वो तो ठीक है, वो तो ईजी है, पर इसे जो कहते हैं हम ज़ाइलीन, दो हों तो कहते हैं ज़ाइलीन, और ये दो कैसे हैं? एडजस्टेंट हैं, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, जो दूसरा ग्रुप आया, ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट है, दूसरा ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर आया है, इसलिए इसलिए हम कहते हैं ऑर्थो ज़ाइलीन, ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्थो ज़ाइलीन। हो ये भी लगता था, हो ये भी सकता था कि हमारा ये जो ग्रुप है ये इस तरह से आ जाते हैं, दो जो दो अगर मिथाइल लगे होंगे तो उसे ज़ाइलीन कहेंगे, अगर ये दोनों ऐसे लगे होते तो ये वाला देखो पैरा पोजीशन पर आ गया तो इसे आप कहते हैं पैरा ज़ाइलीन, सिंपल। अगर मेटा पर आता तो मेटा ज़ाइलीन, है ना, बस दो ग्रुप लगे होंगे तो हम उसे कहेंगे हमारा ज़ाइलीन, ठीक है। जो अलग अलग हैं वही बता देता हूँ मैं। ओके, अच्छा, अब इसकी हो गई सेकंड चीज़, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब दो OH पे लगे हुए हो तो क्या कहते हैं? दो OH पे लगे हुए हो तो उन्हें क्या कहेंगे? दो OH पे लगे होते हैं उन्हें कहते हैं हम कैटाकॉल, क्या कहते हैं? कैटाकॉल। ऑर्थो पर लगा तो ऑर्थो कैटाकॉल, और अगर ये मेटा पर लगे हुए होते और अगर ये इस तरह से लगे हुए होंगे
तो ये हो जाएगा पैराकेटाकोल, ठीक है, पैराकेटाकोल। समझ में आई? अच्छा, एक और चीज, इसमें एक चीज अलग होती है, सॉरी इसमें मैंने गलत बोल दिया, ऑर्थो पर लगे हुए हो तो ऑर्थो पर लगे हुए होंगे तो ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन कह देंगे, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन कर देंगे। अगर एडजेसेंट हुए तो इसे कैटाकॉल कहते हैं, इसका नाम ही कैटाकॉल होता है। अगर दो पैरा पर लगे हुए तो नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है क्यूनॉल, नाम हो जाता है क्यूनॉल, ठीक है, क्यूनॉल। अगर ये इस तरह से लगे हुए हो, कैसे, मेटा पर, अगर दो मेटा पर लगे हों तो उन्हें कह देते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसकी एक लिस्ट बना देता हूँ। हम लोगों ने सीखा ज़ाइलीन, अगर डाई सब्सटीट्यूटेड जो है बेंजीन हो, डाई एल्काइल बेंजीन हो, उसमें ऑर्थो पैरा मेटा हो जाएंगे। देन हमने सीखा जो है अगर ऑर्थो पर लगा हो तो हम इसे कहते हैं कैटाकॉल, अगर हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी में अगर ऑर्थो पर लगा हो तो कैटाकॉल, क्यूनॉल कहेंगे अगर पैरा पर लगा हो, और अगर मेटा पर लगा हो तो हम उसे कहेंगे रिसोर्सिनॉल, ठीक है। ये कॉमन नेम्स हैं, प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं और वैसे भी काम आते हैं। ओके, देन ये इसकी समरी हो गई, है ना, ये इसकी समरी हो गई। अब मैं तुम्हारे को ये अभी लास्ट टाइम में यही बताया था कि ये जो ग्रुप होता है, ये सॉरी लास्ट टाइम नहीं, तो पहले बताया था कि अगर एक इसके एडजेसेंट अगर इस पर दो ग्रुप लगे हुए होते तो मैंने कहा था कि हम इसे विस्टिनल बोलते हैं। यहाँ पर बेंजीन के केस में अगर तीन लगे हुए हुए रिंग पर तो हम उसे विस्टिनल बोलते हैं, ठीक है। अगर तीन एडजेसेंट लगे हुए इस तरह से तो हम इसे विस्टिनल बोलते हैं, ठीक है, हम इसे बोलते हैं विस्टिनल। ओके, क्या बोलते हैं, पिस्टिनल। अच्छा, अब ये अब तीन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तीन में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने हैं हमारे को, तीन में बस इतना पता होना चाहिए कि अगर ये तीन एडजेसेंट OH हैं तो उसे हम कहते हैं पायरोगैलोल, क्या कहते हैं, पायरोगैलोल। तीन अगर इस तरह से, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो ही बता रहा हूँ, अगर CH3 इस तरह से लगे हुए हैं, तीन 1-3-5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैं तो हम इसे कहते हैं मेथिटिलीन, ये आगे जाके काम आएगी, 12th नहीं तो आगे जाके काम आएगी, इसलिए हम इसे कहते हैं मेथिटिलीन, वहाँ कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं हम मेथिटिलीन। ओके, चलो इतना पढ़ लिया। अब इतना पढ़ने के बाद अब जो है ये तो नॉर्मल थे, है ना, अब इनका थोड़ा सा नॉमिनक्लेचर देखते हैं, नॉमिनक्लेचर देखने के बाद फिर आगे जाते पढ़ेंगे इन्हें। ओके, सिंपल का देखते हैं फिर आगे जाके पढ़ेंगे कॉमन नेम्स क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने कैसे पढ़ लिया, ज़ाइलीन पढ़ लिया, ये तीन पढ़ लिए, देन हम लोगों को इनका नॉमिनक्लेचर देखना है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखो ये भी कॉमन नेम्स बता दूंगा, इसमें भी इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सीबेंजीन या फिनॉल, लिखते जाना, इसे कहते हैं मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं एनिसोल, ठीक है, एनिसोल, समझ में आई, इसे कहते हैं एनिसोल। और अगर ये ऐसे है तो
इसे हम कहते हैं फिनिटोल, फिनिटोल ठीक है, एनिटोल और दो हैं अगर इथाइल है तो फिनिटोल। ओके सब याद कर लेना, आगे मैं पढ़ता हूँ। इसे कहते हैं बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड अगर इसकी जगह सी ओ एच है बेंजीन पर तो इसे हम कहेंगे बेंजोइक एसिड, क्या कहेंगे बेंजोइक एसिड ठीक है, ये कहेंगे। पहले मैं सारे कॉमन कॉमन नेम बता देता हूँ, फिर आगे जाके हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेंगे इनका, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है अक्षर, अब ये पोजीशंस के बारे में है। सपोज करो दिस अगर इस तरह की है तो हम ये हो जाएगा हमारा फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट ठीक है। अगर कोई नाम में आए बेंजाइल कुछ है तो बेंजाइल का मतलब होता है इस पोजीशन के साथ इस तरह से यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है, ये होती है बेंजाइल पोजीशन। देन है बेंजल, बेंजल क्या होती है अगर सी एच के साथ इस तरह से है दिस इज बेंजल। नेक्स्ट है बेंजो, बेंजो क्या होती है अगर ये पोजीशन ये है इसे हम कहते हैं बेंजो ठीक है, इसे हम कहते हैं बेंजो, ये कोई नहीं पढ़ाता ठीक है, इसे हम कहते हैं बेंजो पोजीशन। ओके देन आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग ये कॉमन नेम देख रहे हैं ना, फिर हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। देन अब आता है आपका, अब सपोज करो ये है तो ये हमारा क्या हुआ फिनाइल इथीन हो गया या इथिलीन इथिनाइल बेंजीन हो गया। मैंने आपको इथिनाइल ग्रुप पढ़ाया था स्टार्टिंग में, याद करो, अगर मेरे पास स्लाइड होगी तो मैं दिखा दूंगा, नहीं मेरे पास नहीं है इसमें नहीं है, इथिनाइल ग्रुप पढ़ाया था ना मैंने, तो ये हो गया हमारा इथिनाइल ग्रुप। अब ये हो गया इथिनाइल बेंजीन कह सकते हैं, अब इसका जो कॉमन नेम, अच्छा मैंने अभी आपको विनाइल ग्रुप पढ़ाया, यहाँ पर ही विनाइल ग्रुप पढ़ाया था है ना, तो विनाइल ग्रुप में क्या होता है इसे हम कह सकते हैं विनाइल बेंजीन। मैंने कहा था विनाइल ग्रुप के साथ जो लगा हो बस उसका नाम आ जाता है विनाइल के साथ ठीक है, तो इसे विनाइल आप विनाइल बेंजीन कह सकते हो, या फिर अब इसका कॉमन नाम होता है स्टाइरीन, ये याद रखने की चीज़ है, जैसे कहते हैं स्टाइलिंग ये हम पॉलीमर्स में यूज़ करेंगे ठीक है। चलो देन आपका कैटेकॉल रिसोर्सिन और किनॉल पायरोगेलॉल ये हो गए थे है ना। अब नई चीज़ आती है, एक नई चीज़ को कहते हैं क्रिजॉल। हमने सी एच थ्री के लिए अलग पढ़ लिया, ओ एच के लिए अलग पढ़ा, पर सब उसको सी एच थ्री और ओ एच जुड़े हुए हुए तो ऐसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर रेफरेंस है हमारा बेस है ओ एच, ओ एच के बगल में अगर सी एच थ्री है तो हम इसे कहेंगे ऑर्थो क्रिजॉल। अगर पैरा पोजिशन पर यहाँ होगा तो हम इसे कहेंगे पैरा क्रिजॉल ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है क्रिजॉल। ओके अब हम मूव करते हैं नई चीज़ पर, जिसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स पढ़े थे, अगर बेंजीन पर सी एच ओ आ जाता है तो इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड है ना, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अगर सी एच ओ के बगल में ओ एच आ जाए तो इसका नाम हो जाता है सैलिसाइलएल्डिहाइड, क्या हो जाता है सैलिसाइलएल्डिहाइड ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि रीमन टीमन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे आगे जाके। ओके नेक्स्ट है ये क्या है, हम इसे आयुपैक लिखेंगे तो हम इसे वन फिनाइल इथिनोन कह सकते हैं है ना, वन पोजीशन ले लो, वन पर वन टू ऐसे नंबरिंग कर दो, वन पर जो है ये ग्रुप है दो है तो इथेनोन, और फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो वन फिनाइल इथेनोन कह सकते हैं। कॉमन नेम है हम इसे कैसे कहेंगे, कॉमन नेम होता है इसका एसिटोफिनोन, कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन ठीक है कि नहीं।
और अगर यहाँ पर मैं इसे हटा के सी से पिच पर लिख दूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, दो फिनाइल आ गए, अब हम इसे कहेंगे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। आगे काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जिसमें ये हमारे काम आएंगे, है ना। देन अब आता ही है बात अमीनो ग्रुप की। अमीनो ग्रुप में अगर हम इस पर इनिशियल लगा दें तो हम इसे कहते हैं एनिलीन, ठीक है, हम इसे कहते हैं एनिलीन, ठीक है। और अगर हम इसमें इनिश टू के साथ साथ CH3 भी लगा दें तो हम इसे कहते हैं टोलिडीन, क्या कहते हैं, टोलिडीन, ठीक है, टोलिडीन। इसमें CH3 प्रिंसिपल है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे फिर टोलिडीन, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। देन एक चीज और बताता हूँ, नाइट्रो ग्रुप की बात करता हूँ। नाइट्रो ग्रुप की बात करूँ तो नाइट्रो ग्रुप में अगर सपोज करो यहाँ 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 हमारे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये होता है हमारा TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, और ये एक हमारा एक्सप्लोजिव होता है TNT, ठीक है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, इट इज एन एक्सप्लोजिव, ओके। देन अगर आपका ये है तो इसे हम कहते हैं BDC, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये आपके आगे जाके रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है, दिस इज BDC। उसके बाद अगर आपका ये है अगर हमारा इस तरह का है तो हम इसे कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ आगे जाके हमारा काफ़ी यूज होगा कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है कि नहीं, तभी बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ में पता करेंगे, ओके। अब हमारा अगर मैं वो लिखूँ तो है फ्यूज्ड रिंग्स, ठीक है, फ्यूज्ड रिंग्स या कंडेंस्ड रिंग्स, अब उस पर बेंजीन है, इसके बगल में एक और रिंग होती, तो दिस इज नैफ्थलीन, नैफ्थलीन, अगर एक और जोड़ दी देन दिस इज एंथ्रासीन, ठीक है। और अगर एक जोड़ी फिर कैसे जोड़ी, इस तरह से, देन दिस इज फिनैंथ्रीन, फिनैंथ्रीन, ओके। तो ये हमारे कंसेप्ट हो गया फ्यूज रिंग्स का, सब पढ़ लिया। अब जो है एक और पढ़ लो जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इम्पोर्टेंट दो हैं वो पढ़ा देता हूँ, मैंने बेंजोइक से बता दिया। सपोज करो दो बेंजोइक आ जाए हैं तो हम इसे कहते हैं थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड। एंड अगर हमारा ये OH इंजीनियर है तो इसे हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ओके, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है ये, इसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड है ना, इसे कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। एंड ये आता है, इसे हम कहेंगे बेंजामाइड, क्यों बेंजामाइड, क्योंकि इथेनामाइड कहते थे, ये अमाइड ग्रुप है, इथेनामाइड तो नहीं है, बेंजीन, तो हम इसे कहेंगे बेंजा
माइड, ये बेंजीन अमाइड नहीं है, ये बेंजामाइड है। मैंने आपको पहले बेंजीन बेंजामाइड पढ़ाया था, ठीक है, ये बेंजामाइड है, बेंजीन अमाइड नहीं है। ओके, दिस इज बेंजामाइड, ठीक है। इससे हमारा नॉमेनक्लेचर समाप्त हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। आपका नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म हो गया। नाउ वी विल डू ओनली क्वेश्चंस फॉर, वी विल डू 3 to 4 क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट आई कैन टेक अ सेशन ऑन एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम माय साइड। नॉमेनक्लेचर इज एंटायरली एंड फुली ओवर फॉर योर आईएससी एंड सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। जेई नीट में आपका स्पाइरो कंपाउंड एंड बाई साइक्लो कंपाउंड्स वो भी है, हमें उससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा इसका कंप्लीट हो गया। चलो एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं लगे हाथों। देखो जैसे ये है, प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ऑब्वियसली इसे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इससे नंबरिंग शुरू होगी, इस वाले से नंबरिंग शुरू करो। 1, 2, 3, 4 पे क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप है, तो लिख दो 4 मिथॉक्सी, ठीक है। और बाकी क्या ग्रुप है? ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड 4 मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज करो ये आपका क्वेश्चन है, क्या लिखोगे इसे, क्या लिखोगे इसे? दो एक जैसे ग्रुप हैं, तो बेंजीन, क्योंकि यहाँ रिंगी बेंजीन की है, और 1, 2, 3, 4 वन ऑफ फोर पोजिशन पर, तो बेंजीन 1, 4 डाई अमीन, बेंजीन 1, 4 डाई अमीन लिख देंगे हम इसे आसन पला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, ये है हमारा क्वेश्चन, नंबरिंग कर लो 1, 2 नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है, 2 फिनाइल, दो है तो एप एन, 1 पर अमीन है इथेन, 1 अमीन इथेन, 1 अमीन इथेन, 1 अमीन, ठीक है। इजी है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो दो और कर लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे अपने सेशन को। देन अगर हमारे को टाइम मिला तो हम उसके बाद आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशनल में आपका जो है आपके चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, चेन पोजीशंस, मेटामर्स, टॉटोमर्स, ठीक है, ये सब फंक्शनल आइसोमर्स, ये सब डिस्कस करेंगे। देन हम मूव कर जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स पर। स्टीरियो आइसोमर्स में हम आपका जो है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है ना, इस सब पर मूव कर जाएंगे। एंड देन हम उसके आगे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, आपके सॉल स्ट्रक्चर, न्यूमैन स्ट्रक्चर एंड जो है एक्लिप्स स्ट्रक्चर, ये सब देखेंगे, है ना, वो आगे की बातें हैं। फिलहाल तो हम दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका वो ये है, अब आपको करना आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसे काफ़ी टाइम दिया है, तो
अब आपको आना चाहिए, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आना चाहिए। आप किसी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जो है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही है, आप उसे ज्वाइन कर लें। एक आपका ब्रॉडकास्ट वाला ग्रुप है, एक आपका डाउट्स वाला ग्रुप है। डाउट्स वाले ग्रुप में फ़ोटो खींचो, भेजो टाइप करके, और वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजो, कुछ भी करके भेजो, डाउट का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, 1 2 3, 3 में इंटरनली होगी, ठीक है, 3 में इंटरनली होगी। किस तरह से होगी? 3 में इस तरह से होगी, 1-2-3-, ठीक है, 3 के अंदर ही वाला हो गया। 3 पर ब्रूम हो तो 3 ब्रैकेट में 3- ब्रोमो फिनाइल, 4 की चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन फर्स्ट पर ऑयल ग्रुप में, तो ब्यूटीन ऑल। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन हम वैसा कर लेते हैं, किस तरह का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अगर आपको कुछ दे रखा है और आपको बनाना है तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको नाम गिवन है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो हम किस तरह से करेंगे। ओके, सपोज करो आपको दे रखा है ये 3-phenyl-1-bromo-propane, इधर रखा, कुछ नहीं करना, प्रोपेन है 1, 2, 3, 1 पर ब्रोमो है ये रहा, और 3 पर फिनाइल लगा हुआ है, इससे एक फिनाइल जोड़ दो, बस वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। 3-phenyl-1-bromo-propane, ठीक है, समझ में आ गई। हमारे को इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाना, कहना कि हमें इतने इजी वे में सीसी सीरीज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई, नॉमिक्लेचर हमारा पूरा तरह से क्लियर हो गया। जो भी अगर डाउट्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए सब आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट्स हो भर भर के भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा डिमांड नहीं है, बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाने की बात है, सब्सक्राइब करवाना है और करना है। एक घर में 2 या 3 फ़ोन तो होते ही हैं स्मार्टफोन, तीनों से बटन दबाओ, एक जगह भी 3 लोगों को कराएगा तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मल्टीप्लाई करके एक दिन में ही 100-100 सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। प्लीज़ 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 डू द नीडफुल। एंड आपको मैंने एक अनाउंसमेंट और करनी थी कि जैसा कि आपको पता है कि आपकी 12th क्लास के लिए अब बोर्ड के रिजल्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि CUET के टेस्ट पेपर में होगा, जिसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी आता है। तो किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर जाना है, रिसर्च में जाना है और केमिस्ट्री ऑप्ट करनी है, या फिर केमिस्ट्री ऑप्ट उसमें ही क्यों करनी है, अगर आपको बीटेक करनी है, JEE और NEET में भी केमिस्ट्री आती है, ठीक है ना, तो अगर आपको केमिस्ट्री के लायक पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक बैच शुरू करूँगा अप्रैल में। जैसे ही डिटेल्स उस लास्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएंगी वैसे ही बता दूंगा, एक बैच शुरू करेंगे अप्रैल में स्पेसिफिकली फॉर CUET। उसमें हम पूरा उसी के ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, उसी के ओरिएंटेड क्वेश्चन की अप्रोच देखेंगे। पहली बार हो रहा है सबके लिए रिस्की है इसलिए, और बच्चों ने कोचिंग्स पर भी फीस खर्च करी होगी 15,000-15,000 रुपये, तो इस बार मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहा हूँ, इट विल बी इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये बैच, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे, सब कुछ पढ़ाना, सब कुछ इंक्लूडेड है, बस आपको कुछ नहीं करना, दोस्तों को लाना है, सबका बटन दबवाना है सबसे और पढ़ना है, ठीक है। शेड्यूल वगैरह सब आपको मिल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना। बस यही है आपसे कि लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बस शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।